हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। थर्ड लेसन है दादी माँ का परिवार, जो लिखा है रमाकांत कांत जी ने। तो उनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, देखेंगे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को हुआ खंडेला उत्तर प्रदेश। क्या रचनाएं की, क्या लिखा उन्होंने, कौन से बुक लिखे, एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उन्होंने लिखे हैं, उनकी रचनाएं हैं। परिचय दिया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते लेसन, ठीक है। कहानी क्या है चलो देखते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। मतलब वो तो अकेली थी कहने को, बट उनके घर में बहुत सारे मेंबर्स थे। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। तो क्या क्या काम करती थी दिन भर में ये बताया है। घर सवार लेती थी, आंगन में जाती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, रात होने के बाद वो सो जाती थी। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे, और परिवारजन भी जो थे, परिवार उनके साथ जो था वो भी फल फूल रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। अभी परिवार की कहानी हम सुनने जा रहे हैं। दादी माँ थी समझदार, सयानी। दादी माँ होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसले में कौन रहता था, चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, दादी माँ की वो साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती। जैसे ही सुबह उठकर दादी आंगन में बुहारती थी, वैसे ही नीलू फुदकती थी, ची ची करती थी और दादी माँ से बात किया करती थी, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथीन। दादी माँ के साथ और एक साथीन थी, चिंकी चूहिया। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। अभी चूहिया है, चूहा, चूहिया समझ में आया होगा आपको। तो नीचे बिल बनाकर रहती थी पेड़ के नीचे। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ऐसे तीन मेंबर्स बताए हैं। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती थी खुश। अभी ये सब खुश रहेंगे तो दादी माँ भी तो खुश रहेंगी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो बाकी सब भी दुखी होते थे, वो थोड़ी ना सुखी रहने वाले थे। अभी क्या हुआ, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से निकले दो बच्चे। अंडे में से कितने बच्चे निकले, दो। नन्हे थे, सुंदर और अच्छे अच्छे बच्चे थे। टीनू मीनू नाम निकाला, उनका नाम रखा क्या, टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार में मिले और दो बेटे भी मिले चिंकी को। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, नाम क्या रखा उनका, चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी सबका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती थी, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। तो चारे बच्चे आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, गाते थे। खेल खेल में वे लल भी देते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। दादी माँ हमेशा बोलती थी, लड़ो मत, झगड़े मत करो, तनिक एकता का ध्यान रखो। दादी माँ कहती थी, एकता ही सब कुछ है, उसमें ध्यान रखो, सब मिलकर रहो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। दादी माँ और भी बता दी थी, जहाँ एकता है वहीं खुशहाली भी है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब खुश रहे थे, खुशी बहुत थी। दादी माँ रोज उन्हें समझाती,
एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी हर रोज उनको समझाती थी कि एकता कितनी अच्छी है, एकता के क्या लाभ है, एक यूनिटी रहना कितना अच्छा है, कितने फायदे है बताती थी। एकता यानी यूनिटी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई। एक बार संकट आ ही गया, चिड़ियों में मातम छा गया, क्या हुआ? नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ी चिड़िया भी थे उसके साथ, तो नीलू उसके बच्चे और चिड़ी चिड़िया भी उसके साथ थे, और वो दादा दाना खाने के लिए चली गई थी। खलिहाने में धान उगे हुए थे, भात। खलिहाने में मतलब खेती में धान्य थे, धान थे, भात थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। सूरज ढलने वाला था, शाम होने वाली थी, और चिड़िया दाना खा रही थी। अचानक क्या हो गया? मुनमुन का ध्यान आया, उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो मुनमुन को ध्यान आया, क्या उसकी सासू माँ आने वाली थी और घोंसले में कोई नहीं था, घोंसला तो खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली, और वह उठने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। वो उड़ने ही वाली थी टाटा बाय बाय बोलकर, और उड़ नहीं पाई। उसे समझ में आया, अरे मैं तो फंस गई। वह चिल्लाई, नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, सबने सुना। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। वह तब बात समझ पाई, फिर चिंचा कर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं, हम जाल में फंसे हुए। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं किस तरह से सब चिड़ी चिड़िया फंस गए हैं। और वह बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहुत अरे उन्होंने यत्न किए, बहुत उन्होंने प्रयास किया, निकल वह वहाँ से निकल न सके, उलझ गए थे ना, चिड़े चिड़िया हुए उदास, अभी उदास हुए, ख़त्म हुई घर जाने की आस। अभी घर सबको लगा हम घर जा ही नहीं पाएंगे, फंस जो गए थे जाल में। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, सभी हाल बेहाल हो रहे थे, सबको बच्चों का ख्याल आ रहा था, बुरी बातें वे सोचने लगे, शिशक शिशक कर रोने लगे। अभी सबको बुरी बातें याद आने लगी, रोने लगे सब लोग। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, तभी जो दादी माँ बोली थी उनको याद आया, दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ ने क्या बताया था? एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में बताया था। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह बोली। मुनमुन सबसे आगे बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। तीन बोली, बस इतने में ही डर गई तुम, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत हम सब दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, कैसी एकता आएगी यहाँ पे, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता, आप ही अभी अकल लगाओ, कोई आइडिया लगाओ। टीनू ने समझाई युक्ति, टीनू ने बताया उसे मिल सकती थी मुक्ति। तो एक युक्ति टीनू को मिली, उसने सबको बताई जिससे मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, सबने योजना सुनी, सबको पसंद आई, उसमें थी सबकी भलाई, सबकी भलाई उसी में थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी एक दो तीन चार, उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू क्या बोली? मीनू बोलेगी जब एक दो तीन चार, उड़ने को हम रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को तैयार थे। मीनू बोली, एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार, सब उड़ने लगे, जाल सहित उड़ने लगे, मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में एकता थी, यूनिटी थी, इसलिए सब एक साथ उड़ पाए। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, बहेलिया ठगा सा रह गया, बहेलिया देखने लगा, ये कैसे हो गया, सोच रहा था पंचों ने यह किया, क्या करता हो बेचारा, एकता के आगे हार गया हो। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिड़े चिड़िया कहीं पे भी रुके नहीं, डायरेक्ट कहाँ पहुँचे, दादी माँ के पास। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, दादी माँ चिंतित थी, मुँह लटकाए बैठी थी, बुरे विचार उसके मन में आ रहे थे।
चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू भी। दादी माँ का चरखा शांत था, सब मन हो रहा क्लान था, सब मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, और तभी आंगन में कलरव हुआ, पंछियों की आवाज़ सुनाई दी। सबने देखा आनंद फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी, बहुत सारे पक्षी वहाँ पे चीची कर रहे थे जाल में। उनमें थे नीलू टीनू मीनू, प्यारे विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एक का, एक साथ आंगन में उतरे। हाल उनका विचित्र था पर उनमें क्या थी, एकता थी। सब आंगन में उतरे, मानो मित्र हो गए रे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो खटिया पर दादी बैठ गई और बोली, आज बहुत देर से आई हो नीलू, सब खैरियत है, क्या हुआ है आज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। यो पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, पंछियों की टोली ने क्या क्या किया ये सब सुनाया नीलू ने। और दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू समझदार है, तभी तो खबरदार किया, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची है, पर अभी भी है जाल में फंसी, सब लोग जाल में फंसे है, तनिक हमें संभालो और इससे बाहर निकालो, ऐसे उसने बतलाया। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ और हंसी और बोली, राज की बात क्या है, राज की बात। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त भी करेगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें, हम एक है पर क्या करेंगे, बचेंगे ऐसा कुछ बताओ, ऐसे नीलू बोली। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ और बार बताया, वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखते हुए, और एक और एक 11 होते हैं। ये सब बात दादी माँ ने वापिस बताई, किस तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, तुम झिझक न करो, चिंकी से याचना करो, किससे हेल्प मांगो, चिंकी से, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं, आह मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। उसने टीनू मीनू ने रिक्वेस्ट की, किसे, चुस्कू मुस्कू बुलाने के लिए, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीरू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, नीरू ने भी यही कहा, किसी ने भेद किया नहीं। बात चिंकी के मन को भी भाई, चिंकी ने भी ऐसे ही किया, दौड़ भाग झटपट आई, चिंकी आई दौड़ते हुए। दादी माँ यू बोली, मिलकर रहो हम झोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी, तब जब तक तुम एक साथ हो तब तक तुम्हें हार नहीं मिलेगी। चिंकी गई, देखो चिंकी चूहिया, चिंकी चूहिया दी ना, यस, तो चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी उसके पास आए, पहने दांतों से काटा जाल, और उन्होंने दांतों से अपने जाल काट दिया, आज़ाद हुए सब तत्काल, सभी तब आज़ाद हुए, चिड़े चिड़ियाँ चींचिया रहे, सब चिड़ी चिड़ियाँ चींची करने लगे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पंगे पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सब प्रेम स्नेह में गुम हो गए। और यहाँ पे दादी माँ की सीख रंग लाई थी, सबने एकता यानी यूनिटी की दुहाई दी, सब एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, सब एक साथ बोले अंत भला तो सब भला, ठीक है। शब्द वाटिका में कुछ शब्द दिए हैं, नए शब्द, उनके शब्दार्थ समझ लो। निपट यानि शब्द का मीनिंग है केवल मात्र, आबाद यानि भरापूरा, बुहारना यानि स्वच्छ करना, दीन दुनिया यानि संसार, खलियानी यानि कटी फसल रखने का स्थान होता है उसे खलियानी बोलते हैं, क्लांत यानि थका हुआ, कलरव यानि पंछियों की चीची आवाज़ बड़ी मधुर ध्वनि होती है, आनंद फानंद में मतलब जल्दी जल्दी से शीघ्रता से, मुहावरे भी दिए यहाँ पे।
तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना मतलब चकित होना, सरप्राइज होना। कहावते एक और एक ग्यारह मतलब एकता में बल, और अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, ऐसे बोलते हैं। लेसन के साथ साथ आपको ये कृतियाँ भी पूरी करनी है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। ये सवाल पहला है यहाँ पे, और एक दो वाक्य में उत्तर लिखो, ठीक है। इनके आंसर आपको लिखने हैं, और साथ ही साथ भाषा की ओर वचन बदल कर लिखने हैं। थैलियाँ जैसे थैली, पंखा पंखे, वैसे ही और ये शब्द है उनके भी हमें लिखने हैं वचन बदल कर, ठीक है। वाक्य में उपयोग भी करने के लिए कहा है, जैसे थैलियाँ थैली, तो पॉलीथिन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा वाक्य में उपयोग भी किया है तो आपको ये सब करना है, ठीक है। पहले तो आप वचन बदल कर लिखो, और जो वचन बदलेंगे उसका वाक्य में प्रयोग करो।